नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आदरणीय महोदय, हमारी राजनीतिक रणनीति सुस्पष्ट है। पार्टी और सरकार ने मध्यम मार्ग अपनाया है, जो निश्चय ही कुछ वामपक्षीय झुकाव वाला है। अब हमें अपने लोगों को यह दिखा देना है कि इस मार्ग से चलकर हम अभीष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, और परिणाम से मेरा आशय केवल विकास की बढ़ी हुई गति ही नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानताओं में तेजी से कमी होना भी है। हमारी जनता की आस्था लोकतंत्री व्यवस्था में है। अगर हम तेजी से आर्थिक प्रगति संभव बना सकें, तो लोकतंत्र में यह विश्वास और गहरी जड़ें जमा लेगा। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं देश को आगे ले जाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। अब हम 10वीं योजना की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम तेजी से प्रगति कर सकने की स्थिति में हैं। जब देश का समग्र विकास होगा, तभी सभी प्रादेशिक तथा अन्य समस्याओं को हल किया जा सकेगा। इसलिए योजना में हमने राज्य क्षेत्र के लिए विनियोजन को बनाए रखा है। हमने कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया है। कृषि के क्षेत्र में भी शुष्क खेती की समस्याओं की ओर हम खास तौर से ध्यान देना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने उन किसानों की मदद की जिनको सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, और इससे हमारी खेती की पैदावार बढ़ती। मैं समझती हूँ कि पहली बार अनाज के उत्पादन की मात्रा 10 करोड़ टन से ऊपर पहुँच गई है। इसलिए जहाँ तक अनाज का संबंध है, हम आज आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आर्थिक विकास का अपना महत्व तो है ही, लेकिन हमें यदि यह याद रखना चाहिए कि वह कुछ हद तक राजनीतिक और सामाजिक शांति पर निर्भर करता है। इसलिए हमें देखना है कि आर्थिक विकास कुछ हद तक सामाजिक न्याय के साथ मेल खाता रहे। इससे भले ही आर्थिक प्रगति की रफ्तार कुछ धीमी पड़े, लेकिन आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। अन्यथा सामाजिक तनाव आर्थिक मूल्यों के लिए बाधक सिद्ध होंगे। 10वीं योजना में हमने 5.5% विकास दर की परिकल्पना की है, और हम कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना तथा तकनीकी परिवर्तनों को सुदृढ़ आधार देना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत विदेशी सहायता में भी काफ़ी कमी हो जाएगी। वस्तुतः हम सोचते हैं कि इस दशक के अंत तक विदेशी सहायता की जरूरत ही खत्म हो जाए। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।